हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई होप कि सभी का आज का ट्रेडिंग डे अच्छा रहा एंड एंजॉय किया सभी ने। बुलिश मार्केट रहा फुल टाइम आज फुल डे, और हम बेयरिश मान के चल रहे थे लेकिन बेयरिश नोट पे मार्केट ट्रेड किया नहीं। उसके बाद भी हमने अच्छा रहा, जो भी हमारी तरफ से एग्जीक्यूट हुआ प्रॉफिटेबल रहा। तो एक बार मैं क्विकली आप लोगों को लेके चलूंगा अपनी आज की डेट्स की तरफ, उसके बाद बात करेंगे वेडनेसडे की, और कहना चाहिए एक बेहतरीन वेडनेसडे की। सेंटिमेंट्स हमारे बियरिश थे और मार्केट कहीं तक भी बियरिश नहीं था। एक्सट्रीम सपोर्ट बनाया 13,040 का, और इसी सपोर्ट के ऊपर कंटिन्यू से ट्रेड करता रहा, और इसी सपोर्ट को मान के हम भी फर्दर आगे ट्रेड करने जा रहे हैं। पहली ट्रेड थी हमारे पास जील, यही एक स्टॉक था जो पूरा टारगेट दिया, हिट हुआ। यूपीएल नॉन एग्जीक्यूटेड रहा, काफी अपसाइड लेवल पे ट्रेड किया यूपीएल ने। भारतीय एयरटेल भी नॉन एग्जीक्यूटेड रहा। तो जो स्टॉक नॉन एग्जीक्यूटेड रहा उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और जो एग्जीक्यूट हुआ है प्रॉफिटेबल हमारे लिए गया है। हिंडाल्को की बात करूंगा तो 222.50 का ही लो बना पाया, उसके बाद स्टॉप लॉस की तरफ गया हिंडाल्को। अदरवाइज जील हमारा बेस्ट स्टॉक आज का रहा। इसके अलावा आज फुल टाइम मॉनिटरिंग करते रहे बजाज फाइनेंस की, 4200 की पीई को मैंने एग्जीक्यूट किया है अपनी साइड से, 42 के पास से। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अच्छा पैटर्न दिखाई दिया है मुझे डे फ्रेम पे, तो अगर पेशेंस के साथ वेट किया जाए और हल्का सा करेक्शन मार्केट में हुआ हुआ तो ये शायद एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहना चाहिए। बात करते हैं वेडनेसडे की। निफ्टी क्लोजिंग दिया है 13,109.05 के पास। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है 29,817। दोनों ही अच्छे नोट पे क्लोजिंग दिए हुए हैं, और फिलहाल तो बुलिश इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन रिवर्सल के चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि एक अच्छा हैंगिंग मैन भी पैटर्न वनडे के फ्रेम पे दिखाई दिया है। हालांकि छोटे फ्रेम्स में भी बुलिश मोमेंटम बाकी है। ओपनिंग मुझे लग रहा है 13,080 से 13,140 के आसपास होना चाहिए। बैंक निफ्टी ओपनिंग 29,700 से 29,900 के बीच में होना चाहिए, और 13,080 को फ्रेश सपोर्ट मान के हम कंटिन्यूअसली बाय साइड मार्केट को ट्रेड करेंगे। अगर 13,040 ब्रेक होता है नीचे की तरफ आते हैं तब बेयरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज बेटर रहेगा कि हल्का सा अपसाइड मोमेंटम पे ट्रेड किया जाए, लेकिन मेरे सेंटिमेंट्स में मैं अनसर्टेन लेके चल रहा हूँ कि किधर की तरफ भी मार्केट पलट सकता है। निफ्टी के अगर वनडे के फ्रेम की तरफ नजर डाली जाए, एक्सट्रीम सपोर्ट के पास हल्का सा रिजेक्शन देके नीचे की तरफ ही क्लोज दिए हैं, लेकिन अगर मेंटेन कर गए इस लेवल को थोड़ा सा तो अपसाइड की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी रह सकती हैं। हैंगिंग मैन का पैटर्न हल्का सा दिखाई दिया है, और नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कहाँ हमको लेके जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल बुलिश मोड पे हम कंटिन्यूअसली ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। छोटे फ्रेम्स की तरफ अगर हम चलें तो हल्के से रिजेक्शन है, सेम टॉप लाइन के पास से हल्के से रिजेक्शन है। मार्केट ने हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ लिया है, कंटिन्यूअसली नेक्स्ट 3 कैंडल्स में कंटिन्यूअसली रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। तो अगर ब्रेक करते हैं अपसाइड जाते हैं, 13,140 को मेंटेन करते हैं तब अपसाइड की पॉसिबिलिटीज ढूंढ के चलेंगे। अदरवाइज एक रेंज में मुझे कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट। अभी 2 दिन है हमारे पास एक्सपायरी के भी, तो आरबीआई की मीटिंग भी है आगे, तो बड़े बड़े मूवमेंट शायद कल नहीं देखने के लिए मिले, 1-2 दिन हमको वेट करना पड़ेगा। सेम कहानी बैंक निफ्टी में 30 मिनट्स के फ्रेम में मल्टीपल रिजेक्शन, एक छोटी सी रेंज में रह के आज बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत कम थे, निफ्टी ही तेजी से भागता हुआ नजर आया। 4 आवर्स के फ्रेम में कंटिन्यूअसली 2 स्पिन टॉप्स, और कहा जाए तो 2 जीज आपको देखने के लिए मिले हैं। तो एक डिसीजिव मोमेंटम यहाँ से हो सकता है, या तो फर्दर अनदर अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर यहाँ से बुल्स एग्जॉस्ट होके नीचे की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखाया जा सकता है। वनडे के फ्रेम में सेम कहानी है, 2 अच्छे स्पिन टॉप्स देखने के लिए मिले हैं, या फिर 2 2 जीज देखने के लिए मिले। हल्का सा माइल्डली क्रॉसओवर्स है एमएसईडी में, लेकिन बहुत पीक पे, तो अभी इस क्रॉसओवर्स का कोई यूटिलाइजेशन है नहीं। आरओसी भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुका है ग्रीन कलर में, शायद कुछ मोमेंटम यहाँ पे हॉल्ट हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। चलते हैं अपनी पहली ट्रेड की तरफ। मेरी पहली ट्रेड है बीपीसीएल, मैं इसको गेम चेंजिंग लिस्ट में डालने जा रहा हूँ। 381 के ऊपर मैं बाई करने जा रहा हूँ बीपीसीएल को। मेरा पहला टारगेट रहेगा 385, सेकंड 388, स्टॉप लॉस में 377 मेंटेन करके चल रहा हूँ। 379 के आसपास कहीं क्लोजिंग है बीपीसीएल का, और हल्का सा सपोर्ट चाहिए होगा हमको 381 के ऊपर फर्दर अपसाइड मोमेंटम के लिए। 921 के क्रॉसओवर्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। छोटे फ्रेम्स की तरफ अगर आपको लेके चलूं मैं, बहुत अच्छी मतलब पॉसिबिलिटीज यहाँ दिखाई दे रही हैं। वॉल्यूम पे नजर डालिए क्लोजिंग के टाइम पे, अच्छा वॉल्यूम बीपीसीएल ने डेवलप किया है, 2 बड़ी कैंडल्स की वजह से वॉल्यूम यहाँ पे ढका हुआ है। 5 मिनट के फ्रेम की तरफ अगर हम चलेंगे तो मोमेंटम बहुत ही प्यारा है।
सारी मैजिकल लाइंस के ऊपर, वीवैप के ऊपर 921 के आसपास और 50 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। हल्का सा सपोर्ट का रिजेक्शन है प्रीवियसली, तो उसके लिए हमने ट्रेड को रखा अपनी 381 के ऊपर बाय साइड में। तो 381 के ऊपर अगर हम मेंटेन करते हैं, ट्रेड कर जाते हैं तो टॉप्स लगाएंगे, और 385 386 तक के मिनिमम लेवल्स बीपी सेल में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बड़े फ्रेम्स में भी आपको सेम अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, तो टारगेट्स को आप बड़ा भी लेके चल सकते हैं अगर मार्केट मोमेंटम अच्छा रहता तो। 388 तक के टारगेट भी एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं। वॉल्यूम पे नजर डालें, वॉल्यूम अच्छा डेवलप हुआ है क्लोजिंग के टाइम पे, ट्रेंड लाइन भी एडीएक्स की पॉसिबली हल्का सा ट्रेंड दिखाना शुरू शुरू कर दिया है, निगेटिव डाइवर्जेंस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेरा दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो पॉसिबिलिटीज बुल साइड की बहुत ज्यादा है बीपीसीएल में अगर 381 हम मेंटेन कर जाते हैं तो। मेरा अनदर गेम चेंजिंग स्टॉक है विप्रो, मैं विप्रो को बाई करने जा रहा हूँ 353 के ऊपर। मेरा पहला टारगेट रहेगा 356, सेकंड 358, स्टॉप लॉस 349 में यूज करने जा रहा हूँ। तो चलिए रिव्यू कर लेते हैं विप्रो को चार्ट पर। बहुत ही शानदार स्थिति में मुझे ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, 3552.80 के आसपास शायद कहीं क्लोजिंग रहा है विप्रो का। वॉल्यूम की तरफ चले, छोटे फ्रेम्स ने जबरदस्त वॉल्यूम कंटिन्यूअसली डेवलप किया है इसने, एडीएक्स बहुत अच्छी स्थिति में आ चुका है एंड एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी स्थिति में आ चुका है, दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। 30 मिनट्स के फ्रेम में फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है 353 के ऊपर, तो एंड होपफुली सेम लेवल के पास से अच्छा एग्जीक्यूशन भी हमको मिलेगा। इंडिकेटर बेस्ड जाएं, सारे के सारे इंडिकेटर्स 5 out of 5 रीडिंग स्ट्रेंथ दे रहे हैं बाय साइड की। सपोर्ट बेस्ड जाएं, एक्सट्रीम सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एक्सट्रीम पीवीएट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 921 का फ्रेश क्रॉस ओवर, 50 एसएमए का सपोर्ट एंड मेजर लाइंस का सपोर्ट इसको मिला हुआ है, तो टॉप्स लगाएगा तो 357-358 तक के लेवल कहीं नहीं गए, इतने लेवल बहुत आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं, और इसलिए मैंने इसका टारगेट जो पहले रखा हुआ है वो 356 के पास रखा हुआ है। इजिली 3 से 4 पॉइंट्स विप्रो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये विप्रो और बीपीसीएल दोनों में बहुत अच्छे पैटर्न हैं, दोनों को मैंने गेम चेंजिंग लिस्ट में डाला हुआ है। एंड चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, हल्का सा झुकाव सेल तरफ पीएफसी में मुझे जाता हुआ दिखाई दिया है, 108.40 के नीचे मैं सेल करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लोज रहा है 108.85 के पास में, टारगेट रहेगा 106-105, स्टॉप लॉस में 111 यूज करके चलूंगा। 30 मिनट्स के फ्रेम में एक अनसर्टेन सी स्थिति देखने के लिए मिली है, अच्छे वॉल्यूम दिखाने के बाद में परफेक्ट दोजी देखने के लिए मिला है, उसके बाद कंटिन्यूअसली रिजेक्शन आए हैं, नीचे की तरफ गिरावट देखने के लिए मिली है, वॉल्यूम भी डेवलप हुआ है सेल साइड का। सो अगर हम हल्का सा और रिजेक्ट होते हैं 108.40 के नीचे, इसीलिए मैंने इसका सेल रखा हुआ है, अगर सारी मूविंग एवरेजेस के लाइन के नीचे हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं एक अच्छी गिरावट की संभावना है। 2 पॉइंट्स तो बड़े इजीली छोटी स्क्रिप्टेड एरर से 2 पॉइंट्स अगर मुझे मिल जाते हैं बहुत सेटिस्फाई ये मेरे लिए ट्रेड रहेगी। 15 मिनट के फ्रेम में सेम कहानी है, पीवीएट के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, सपोर्ट के ऊपर हमने क्लोजिंग दिया हुआ है, तो मान लीजिए जरूरी रहेगा कि हम सपोर्ट को ब्रेक करें, नीचे की तरफ ट्रेड करें, वॉल्यूम जबरदस्त रहा है, तो पॉसिबली हो सकता है कि कल हल्का सा गैप डाउन देखने के लिए मिले पीएफसी में और वो कंटिन्यूएशन में बना रहे, तो सेम लेवल के पास से एग्जीक्यूशन अच्छे बॉटम्स लगा सकता है। 107-106 तक के टारगेट्स भी पीएफसी में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े फ्रेम्स की तरफ अगर एक बार नजर डाली जाए, कहीं ना कहीं हॉल्ट दिखाई दिया है, डार्क क्लाउड कवर सा लेकिन पूरी तरह से पियर्सिंग नहीं हुआ है या फिर पूरी तरह से कवर नहीं किया है, उसके बाद में फिर से एक और रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। सो रिजेक्शन अच्छे हैं, अच्छे बॉटम्स की तरफ जाता हुआ देखा जा सकता है। एडीएक्स भी ऑलमोस्ट बुल साइड मैच्योर हो चुका है, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा दूर जा चुका है दोनों मूविंग एवरेज से, तो हल्का सा करेक्शन की संभावना है, 106 तक के लेवल देखे जा सकते हैं पीएफसी में। एंड चलते हैं एक और फाइनल स्टॉक की तरफ, ये भी गेम चेंजर हो सकता है। स्टैम्प तो नहीं है मेरे पास बाकी बचे हुए, लेकिन 4.5 स्टार मैं जरूर इसको देना चाहूंगा। 2 to 4 के नीचे मैं सेल करने जा रहा हूँ, मेरा पहला टारगेट रहेगा 221, सेकंड 219, और गिरावट अगर आई बैंक्स में तो सबसे पहला जो स्टॉक होगा इसमें गिरावट आएगी वो आरबीएल बैंक होगा। 2 से 17 तक के टारगेट भी एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 227 में यूज करके चलूंगा। 225 के आसपास कहीं क्लोज दिया है, कंटिन्यूअसली रिजेक्शन दिए हैं टॉप लेवल्स के पास से, तो अगर हल्का सा भी ट्रिगर होता है सेल साइड में तो बड़ी अच्छी गिरावट आरबीएल बैंक में देखने के लिए मिल सकती है। 30 मिनट्स के फ्रेम में शार्पली ब्रेकडाउन दिया है इसने, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे लाके छोड़ दिया है इसको, सो इसी लेवल के नीचे ही मैंने अपना सेल ऑफ रखा हुआ है। अगर मेंटेन रहा बड़े आराम से अच्छी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। मेरा पहला टारगेट जो है आप देख सकते हैं 221 के पास रखा है, 3 पॉइंट्स का मैंने रखा हुआ है। वॉल्यूम जबरदस्त है, एडीएक्स जबरदस्त है, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शार्पली दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे जाना शुरू कर दिया है। 223 के नीचे गिरावट जो है शार्पली हो सकती है, और अच्छे
आप अच्छे बॉटम्स लगा सकती है। 217 तक की पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई हैं, लेकिन 3 से 4 पॉइंट्स बड़े आराम से आपको मिल जाने चाहिए। 220 बहुत आराम से आरबीएल बैंक में आपको मिल जाना चाहिए, और बड़ी अच्छी स्थिति में, सेल स्थिति में मुझे आरबीएल बैंक दिखाई दे रहा है। ये भी डिपेंड करता है कि ट्रेंड हमारे साथ रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, तो ट्रेंड के साथ रहना जरूरी है। हल्का सा भी रेंज मार्केट ट्रेंड रहा, हल्का सा भी बेयरिश ट्रेंड रहा, बहुत अच्छी गिरावट के विटनेस हम लोग होंगे आरबीएल बैंक में। इसलिए आरबीएल बैंक को मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। गेम चेंजिंग का स्टैंप नहीं लगा सकता हूँ, तो वेस्ट कर चुका हूँ, यूज कर चुका हूँ, लेकिन आरबीएल बैंक मोस्ट प्रायोरिटी पे या फिर मेरा फेवरेट कल का रहने वाला है, अगर हल्का सा रेंज मार्केट या बेरिश मार्केट हमको देखने के लिए मिलता है तो। मैं अनसर्टेन जा रहा हूँ मार्केट पे, क्योंकि सेंटिमेंट्स मेरे मुझे रोक रहे हैं कि हल्का सा बुलिश जाया जा सकता है। मोस्टली ज्यादा बुलिशनेस की संभावना फिलहाल 13,140 के ऊपर ही मुझे दिखाई दे रही है। बीपीसीएल मैं बाय साइड जा रहा हूँ, 381 अगर मेंटेन कर गया हिट लंबी हिट लगाएगा। विप्रो 353 मेंटेन कर गया, 359 तक की तैयारी है। पीएफसी मैंने जैसे आपको दिखाया रिजेक्शंस हैं, 108.40 के नीचे अच्छी गिरावट, 106 तक के टारगेट दिखा सकता है। आरबीएल बैंक 224 के नीचे, 221, 219, 217 तक के मेगा टारगेट्स आपके लिए वेट करते हुए आरबीएल बैंक में दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा गेम चेंजर्स के साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप गेम चेंजर्स टी टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं, डिट्टो आपको टाइप करना है, और बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस का आनंद उठा सकते हैं। बने रह सकते हैं मेरे साथ लाइव मार्केट की रीडिंग, और अगर गेम चेंजर्स प्रीमियम की तरफ लेके चलूँ आपको, तो हम लोगों की तो बल्ले बल्ले रहती है डेली, टू मच स्क्रीन शॉट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं मेरे पास। आज जो भी ट्रेड किया, पूरे दिन वेट किया हमने, लेकिन जो भी ट्रेड किया बेहतरीन ट्रेड किया, और जबरदस्त हिट लगाया, और बहुत सारे स्क्रीनशॉट, मतलब बी ट्रू मैं तो ऑलवेज रहने की कोशिश करता हूँ। और अब भी लास्ट नवंबर में सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज ऐसे थे जो हमने लॉस फेस किया, अदरवाइज 17 ट्रेडिंग डेज में हमने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाया, कंटिन्यूअसली हिट्स लगाए, और बहुत ही बेहतरीन रहा। एंड होपफुली इस दिसंबर में हम एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, और 22 out of 22 डेज हिट लगाएंगे, और पहला दिन हमारा प्रॉफिटेबल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप भी बन सकते हैं गेम चेंजर्स प्रीमियम के मेंबर, और धूम मचा सकते हैं हमारे साथ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर डालिए, और बने रहिए गेम चेंजर्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विश कि आपका वेडनेसडे जबरदस्त जाए।